प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को दौसा आए थे, लेकिन पूरी राजस्थान की जो आस थी वो अधूरी रह गई, क्योंकि यहाँ के नेताओं को, जो किसान नेता हैं, उनको आस थी कि ERCP पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ घोषणा करके जाएंगे, लेकिन आस अधूरी रह गई। हमारे साथ किसान नेता रामनिवास जी हैं, इनसे सीधी बात करते हैं। सर, 12 तारीख को जो आस लेके गए थे वो तो अधूरी रह गई, अब आगे का क्या प्लान है? देखिए जी, 12 तारीख को प्रधानमंत्री जी से हमारी ये उम्मीद थी किसानों की कि वो ERCP के बारे में घोषणा करेंगे और इस योजना को केंद्रीय योजना के रूप में स्वीकृति प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब किसान आक्रोशित होकर के आगे की जो कार्रवाई है वो धरना प्रदर्शन, रास्ता रोकना, बड़ी सभाएं करना और इस तरीके की योजनाएं बना रहे हैं कि केंद्र सरकार के कानों में ये बात जाए और वो इस पर विचार करें, इसे स्वीकृति प्रदान करें। चुनावी साल भी है, आप लगता है राजनीतिक पार्टियां इसे वोट बैंक की तरफ देख रहे हैं, तपन पर देख रहे हैं? बिल्कुल सही है, हमारा ये मानना है कि दोनों ही सरकारें, जो भाजपा और कांग्रेस केंद्र और राज्य में स्थित हैं, अभी कांग्रेस भी इसको अपना वोट बैंक के रूप में बनाना चाहती है ERCP को, और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी जो राज्यसभा और लोकसभा के चुनाव लड़ेगी वो भी ये चाहती है कि इसको हम एंड टाइम में वोट बैंक में तब्दील करें और इस योजना को स्वीकृत करें। इसका श्रेय किस पार्टी को मिले, इस बात पर ये फुटबॉल बनाई जा रही है। पेच कहाँ फंसा हुआ है सर? कांग्रेस कहती है बीजेपी, बीजेपी कहती है कांग्रेस। देखिए जी, पेच यहाँ फंसा हुआ है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अलग अलग पार्टियों की सत्ता होने के कारण ये एक दूसरे पर बातें टाल रहे हैं और ये चाहते हैं कि इसका जो श्रेय है वो हमें मिले, जैसे कांग्रेस चाहती है हमें मिले, बीजेपी चाहती है हमें मिले। पेच का मुख्य कारण यही है। और दूसरे रूप में देखें तो एक राजनीतिक झगड़ा है जोधपुर को लेकर के, कि जोधपुर से अशोक गहलोत जी के सुपुत्र वैभव गहलोत जी लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वहीं से जो गजेंद्र शेखावत जी हैं भाजपा के, वो उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, गजेंद्र सिंह जी की विजय हुई और गौरव वैभव गहलोत है जो पराजित हुए। अब मामला यहाँ फंसता है कि जोधपुर किसके अधीन है। भाजपा के शेखावत जी चाहते हैं कि जोधपुर में मेरा वर्चस्व है और गहलोत जी चाहते हैं कि जोधपुर में मेरा वर्चस्व है। इस वर्चस्व की लड़ाई में शुरू शुरू में प्रधानमंत्री ने भी, मोदी जी ने जो शेखावत जी हैं उनको जल शक्ति मंत्रालय दे दिया एक अलग से। पहले भी जब घोषणा हुई थी तो मोदी जी ने ये कहा था कि हम इस ERCP के लिए एक अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे, तो उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय बनाया और उसका जो मंत्री है वो भी राजस्थान से बनाया। लेकिन शेखावत जी ने आगे इस फाइल पर, ERCP पर जो केंद्र सरकार के पास है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये आपसी राजनीतिक मनमुटाव भी एक इसमें मुद्दा है जहाँ ये पेच फंसा हुआ है। आपका कहने का मतलब ये है कि लड़ाई में ERCP पर बोल बन गई? जी हाँ, ERCP जो है वो 4 साल जो उसके निकले हैं वो तो राजनीतिक लड़ाई में निकले हैं, लेकिन अब जो इसमें टाइम लग रहा है वो टाइम श्रेय का है। और कांग्रेस बढ़ चढ़ करके ERCP की बात करती है, पिछले बजट में भी उन्होंने कहा था कि हमने ERCP को लागू कर दिया है, काम चालू कर दिया है और इसके लिए बजट दे दिया है। यही बात इस साल के बजट में आई है कि 13,000 करोड़ रुपये हमने ERCP को दिए हैं, लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो पिछले साल के बजट का जो राजपत्र आया था गजट, उसमें भी 1 रुपया भी ERCP को नहीं दिया गया। और हम समझते हैं कि 13,000 करोड़ रुपया इस बार भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 13,000 करोड़ रुपये देने की जरूरत ही नहीं है। 10% राशि इनको केंद्र सरकार को देनी है जो 4.5-5 हज़ार करोड़ के बीच होती है, फिर सारा 90% जो पैसा है वो केंद्र सरकार को देना है। अतः कांग्रेस भी बढ़ चढ़ करके इसका हल्ला कर रही है कि ERCP को हम बना के रहेंगे, जबकि हमारा मानना है कि राज्य सरकार के पास में इतने वित्तीय साधन नहीं है कि वो ERCP को, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को बना सके। अब बात आती है केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ये चाह रही है, वो अपने पत्ते नहीं खोल रही, ERCP पे बिल्कुल नहीं बोल रही है।
ना कोई एमपी बोल रहा है, ना कोई मिनिस्टर बोल रहा है, ना मोदी जी बोल रही। तो मेरा ये मानना है कि ये तूफान से पहले की शांति है और वो चुनाव के ऐन वक्त पर ईआरसीपी की गारंटी से घोषणा करेंगे और किसानों के वोट अपने पक्ष में लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तूफान से पहले की शांति है और सीधी सी बात है, चुनाव से पहले ईआरसीपी नहीं तो वोट नहीं का मुद्दा लगातार जोर पकड़ेगा। और जैसे कह रहे हैं किसान नेता कि आने वाले टाइम में इसको लेकर धरातल पर भी और ज़्यादा काम किया जाएगा। संदीप मीणा, दो साल राजस्थान तक।